वेलकम टू माय चैनल स्टोरी इन हिंदी। आज की कहानी है एक स्नेल की, जो अपनी सुपर स्पीड से एक दिन बन जाता है वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट रेसर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे आखिर एक स्नेल ने ऐसा कर दिखाया। स्टोरी की शुरुआत होती है एक कार रेस से, और हर बार की तरह गार्नियस नाम का एक रेसर लीड कर रहा होता है, और उस रेस को थियो नाम का एक स्नेल अपनी टीवी पर देख रहा होता है। उसका भी यह हमेशा से सपना था कि वो भी एक दिन रेसर बनेगा। वो गार्नियस को अपना रोल मॉडल मानता था। उसे जब भी मौका मिलता वो गार्नियस का इंटरव्यू देखता। एक बार गार्नियस अपने इंटरव्यू में कहता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और सपना देखने वाला कभी छोटा नहीं होता। ये लाइन थियो को हमेशा मोटिवेट करती थी। थियो का बड़ा भाई चिट उसके रेसर बनने के सपने की वजह से बहुत परेशान रहता था। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता था कि वह एक स्नेल है और कभी भी रेसर नहीं बन सकता, पर उसके भाई के किसी बात का थियो पर कोई असर नहीं होता था। थियो एक गार्डन में बहुत से स्नेल के साथ रहता था। उन सब का बस एक ही काम था, वो सब पौधों से टमाटर इकट्ठा करके उन्हें आराम से खाना, पर वहाँ पर ही थियो टमाटर को लुढ़काकर उस पर रेस करता रहता था, जिसे देखकर वहाँ के स्नेल उसका मजाक उड़ाया करते थे। चिट उसे समझाता है कि वह कब इस रेस के भूत को उतारेगा। वह ये क्यों नहीं समझता कि वह एक स्नेल है और कुदरत ने उसे ऐसा नहीं बनाया कि वह एक रेसर बन सके। उसे एक बात मान लेनी चाहिए कि वह एक बहुत सुस्त जीव है, और इस बात को वह जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। तभी गार्डन के पास एक घर से एक बच्चा अपनी बाइक लेकर बाहर निकलता है। वह वहाँ पर जो भी कीड़ा दिखाई देता है उसे अपनी बाइक से कुचल देता था। सारे स्नेल ये देखकर अपने स्नेल में छुप जाते हैं। रात में थियो फिर से गार्नियस का इंटरव्यू देख रहा होता है, जिसमें वह कहता है कि हर रेसर के लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब उसे कुछ सेकंड में डिसीजन लेना होता है कि वह पीछे हटना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, एक चांस लेकर सब कुछ दांव पर लगा दे या सेफ खेलकर हार को गले लगा ले। अगले दिन सारे स्नेल गार्डन में टमाटर खा रहे होते हैं, तभी एक बड़ा सा पका हुआ टमाटर गिरता है और वो लुढ़कता हुआ गार्डन के बाहर गिर जाता है। सारे स्नेल उसे खाने के लिए उस ओर जाते हैं। तभी चिट सभी को रोककर कहता है कि आज घास काटने का दिन है। तभी एक आदमी अपनी घास काटने की मशीन लेकर वहाँ आता है और सारे स्नेल वापस चले जाते हैं। तभी थियो चिट से कहता है कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। वो उस टमाटर की तरफ देखता है और उसे गार्नियस की बात याद आती है कि एक चांस लेकर सब कुछ दांव पर लगा दो या फिर हार को गले लगा लो, और वो उस टमाटर की तरफ जाने लगता है। चिट उसे वापस आने को कहता है, पर थियो को वो अब एक रेस जैसा लग रहा था। उसे घास काटने वाले से पहले टमाटर तक पहुँचना था। वो अपनी पूरी स्पीड के साथ बढ़ रहा होता है, पर उसकी स्पीड इतनी कम थी कि बहुत जल्द घास काटने वाली मशीन उस तक पहुंचने ही वाली होती है और वो उसमें कट कर मरने वाला होता है। तभी चिट पाइप से पानी की फोर्सिंग से उसे मशीन से कटने से बचा लेता है। चिट उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें मरने का शौक है क्या, तुम्हारा दिमाग कहाँ है। थी उदास होकर वहाँ से चला जाता है और रोड के किनारे आ जाता है। तभी एक बड़ा सा ट्रक उसके पास से गुजरता है। उड़कर दूर एक कार के बोनट पर जा गिरता है, जो एक रेसिंग कार थी, और रेस स्टार्ट हो चुकी थी और थियो उस गाड़ी के बोनट पर जा गिरता है। पहली बार उसने इतनी स्पीड का एक्सपीरियंस किया था, उसे बहुत मजा आ रहा होता है। तभी एक झटके से वो कार के इंजन में गिर जाता है, और उस कार के ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करता है और वो थियो के अंदर चला जाता है। उसके बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं और तभी वो कार से रोड पर गिर जाता है। सुबह उसकी आंखें खुलती हैं और वो वहाँ पर खुद को अकेला पाता है। वो वापस से अपने गार्डन में आ जाता है। तभी वो अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करता है। उसकी आंखें किसी कार की हेडलाइट की तरह चमकने लगती हैं। वो इन सब चेंजेस को देखकर हैरान था। उसकी हरकत एक कार जैसी होने लगी थी। वो परेशान होकर घूम रहा होता है, तभी वो बाइक वाला बच्चा वहाँ आता है। वो उसे कुचलने वाला ही होता है, पर वह बहुत तेजी से बचकर भागने लगता है। उसकी स्पीड अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। वो अपनी स्पीड से उस बाइक से बच्चे को भी नीचे गिरा देता है। ये देखकर वो बच्चा उससे डरकर घर के अंदर भाग जाता है। थियो अपनी स्पीड देखकर बहुत ही खुश होता है। वो उस बाइक को ले जाकर उस गार्डन में टकरा देता है, जिसके बाद बहुत से स्नेल अपने मीटिंग कर रहे होते हैं। सारे स्नेल का लीडर कार्ल थियो को उसके भाई चैट पर बहुत गुस्सा करता है
और उन दोनों को अपने ग्रुप से बाहर निकाल देता है। चिट इसके लिए थियो पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि वो कब तक उसकी गलतियों के लिए सबसे माफ़ी मांगता रहेगा। थियो अपने भाई को अपने अंदर होने वाले बदलाव को बताने की कोशिश करता है, तभी एक क्रो आकर चेट को अपने पंजों से उठाकर वहां से चला जाता है। थियो अपनी पूरी स्पीड से उस क्रो को का पीछा करता है। वो क्रो चेट को खाने ही वाला होता है कि तभी थियो आकर उसे बचा लेता है। चेट थियो से पूछता है कि ये उसने कैसे किया। तभी टीटू नाम का एक लड़का उन्हें पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। वो उन्हें ले जाकर एक जगह पहुंचता है जहां बहुत से लोग पैसा लगाकर स्नेल की रेस करवाते थे। वहां और भी बहुत सारे स्नेल थे, उन सबको एक छोटे से रेस ट्रैक पर खड़ा कर दिया जाता है और रेस शुरू हो जाती है। थियो चुपचाप खड़ा होता है, जिससे बाकी लोग टीटू पर हंस रहे होते हैं कि उसका स्नेल चल भी नहीं पा रहा है। तभी वो अपनी पूरी स्पीड से भागता है, जिसके बाद सब कुछ बिखर जाता है। वो वहां के आसपास का पूरा एक चक्कर लगाकर वापस आता है। सब उसे देखकर हैरान थे। चैट उसे साइड में ले जाकर पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लगता है तुम्हें कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। फिर थियो उससे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। टीटू थियो को अपने हाथ में उठाता है और उससे कहता है कि वह नहीं जानता कि वह कहां से आया है, पर वह बहुत कमाल का है। तभी टीटू के भाई उसे आवाज़ देता है। वो कहता है कि दुकान में आकर कुछ काम भी कर ले, उनका काम टैकोज बेचना है, ना कि स्नेल की रेस करवाना। टीटू अपने भाई के साथ से कहता है कि वह स्नेल की रेस नहीं देखे, वह बहुत तेज है, उसकी रेस करवाने से वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी, जिससे उनके सारे टैकोज बिक जाएंगे। उसका भाई उसे सपने देखना बंद करके काम करने को कहता है। टीटू थियो के लिए एक बेड बनाता है और उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। कुछ टाइम बाद वहां पर बाकी स्नेल थियो के पास आते हैं। सबका हेड विपलेस नाम का स्नेल होता है। वो थियो से पूछता है कि वह इतना तेज कैसे हुआ। वो उसे अपने गैंग में शामिल होने को कहता है, पर थियो उससे कहता है कि वो लोग बहुत स्लो हैं, इसीलिए वो उनकी गैंग में शामिल नहीं हो सकता। विपलेस उसे उसके साथ एक रेस करने को कहता है। थियो उसके लिए मान जाता है। विपलेस उससे कहता है कि वह सबसे पहले उस चमकते हुए तारे तक पहुँचेगा, वही रेस का विनर होगा। रेस स्टार्ट हो जाती है। वो सभी स्नेल दिमाग लगाकर वहाँ लगी तार से स्लाइड होकर स्टार तक जाने लगते हैं। थियो पूरी स्पीड से उनके पीछे जाने लगता है और बहुत जल्दी उनसे आगे भी निकल जाता है, पर वो वहाँ के तार के अंत में घूमता ही रह जाता है। बाकी के सभी स्नेल पहले स्टार तक पहुँच जाते हैं। विपलेस उससे कहता है कि सिर्फ तेज होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए। अगले दिन चिट थियो से कहता है कि वह कब तक टीटू के साथ रहने वाला है, ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अपना धंधा बढ़ाने के लिए। तभी टीटू वहाँ आता है और थियो से कहता है कि वह सभी लोगों तक उसे पहुँचाना चाहता है, जिससे उसके दुकान में भीड़ भी लगेगी। तभी थियो वहाँ दुकान के पास इंडियाना पुलिस 500 कार रेस का पोस्टर देखता है। वो पूरी तेजी से उसके पोस्टर पे घूमने लगता है। टीटू को बताने की कोशिश करता है कि वह रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। टीटू को उसकी बात समझ में आ जाता है। वो जाकर अपने भाई को इस आइडिया के बारे में बताता है। उसके भाई को स्नेल को रेस में शामिल करने का आइडिया बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि रेस के कुछ रूल्स होते हैं, वो कभी एक स्नेल को रेस में शामिल नहीं होने देंगे। टीटू कहता है कि उसने रेस के सारे रूल्स पढ़े हैं, उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि एक स्नेल रेस में भाग नहीं ले सकता, बस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए $2,000 चाहिए। ये सुनकर उसका भाई उससे कहता है कि उसने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं, वो इसे बर्बाद नहीं कर सकता। टीटू से समझाने लगता है और कहता है कि लाखों लोग उस रेस को देखने आएंगे, उसकी दुकान भी फेमस हो जाएगी, पर उसके भाई को ये बात नहीं समझ आती। टीटू वहाँ के आसपास के दुकानों से पैसा मांगने की कोशिश करता है। वो उन्हें एक प्रेजेंटेशन भी देता है कैसे वो स्नेल रेस में हिस्सा लेने से उनकी दुकान में बहुत से लोग आने लगेंगे, पर उन सबको टीटू का आइडिया पसंद नहीं आता। चेट भी थियो से कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ वो रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा, नहीं तो ऐसे ही बेकार किसी कार के नीचे आकर मर जाता। तभी विपलेस वहाँ आता है अपनी गैंग के साथ और वो कहता है कि किसी भी हाल में थियो को रेस में शामिल करवाएंगे। और वो सब स्नेल वहाँ से जाकर एक बस के टायर को पंचर करके उनके शॉप प्लाजा के पास लेके आते हैं। वहाँ थियो बस के पैसेंजर को अपनी स्पीड दिखाने लगता है, जो उन सबको बहुत पसंद आता है। वो सब बस के ठीक होने तक थियो की रेस देखते हैं और बहुत से सामान दुकान से लेते हैं। थियो का भाई बहुत खुश था, पर वो रेस के लिए पैसे देने के लिए फिर भी मना कर देता है। वहाँ के बाकी के दुकान के लोग उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। टीटू उन सबको लेकर रेस में हिस्सा लेने निकल जाता है। वो अपने भाई का रखा पैसा भी ले लेते
देता है और सॉरी नोट रख देता है। टीटू रास्ते में थियो का रेसिंग नाम रखने के लिए सोच रहा होता है, तभी सारे स्नेल उसे टर्बो नाम का आइडिया देते हैं। वो सब थियो का नाम टर्बो रख देते हैं। सब थियो को रेस के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगली सुबह वो सब इंडी 500 रेस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। थियो वहां रेस ट्रैक पर तेज तरार गाड़ियों को तेज भागते हुए देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। टीटू वहां के रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है और कहता है कि उसके पास एक ड्राइवर है जो रेस में हिस्सा लेना चाहता है। वहां का इंचार्ज उसे कहता है कि पहले रेसिंग टेस्ट पास करनी होगी, तभी वो रेस में हिस्सा ले सकते हैं। टीटू उसे कुछ घूस देकर काम करने की कोशिश करता है, पर वहाँ के आदमी उसे ऑफिस से बाहर फेंक देते हैं। बाहर गार्निश से सारे रिपोर्टर सवाल कर रहे होते हैं, तभी थियो टीटू को घसीटता हुआ वहाँ ले जाता है और उसे कुछ आइडिया देता है। टीटू उन सबके सामने रिपोर्टर को बताने लगता है कि यही है रेस का अगला विनर। सभी उसे स्नेल को देखकर हंसने लगते हैं। टीटू थियो को ट्रैक पर जैसे ही रखता है, थियो अपनी पूरी स्पीड के साथ रेसिंग टेस्ट देने लगता है। वहाँ के सारे लोग एक स्नेल की ऐसी स्पीड देखकर हैरान हो जाते हैं, जिससे थियो की स्पीड 226 किलोमीटर आवर थी, जो कि रेसिंग में हिस्सा लेने के लिए काफ़ी थी। थियो की रेसिंग वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये खबर इंडी कार के सीईओ तक भी पहुंचती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबको बताता है कि वो एक स्नेल को रेस में हिस्सा नहीं लेने दे सकते हैं, और वहाँ के सारे लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तभी गार्निश भी कहता है कि कोई भी रेसर छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए उस स्नेल को भी रेस करने का पूरा हक है। इंडी कार के सीईओ को भी उसकी बात माननी पड़ती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। चैट अभी भी उदास रहता है। रात में थियो उसके पास जाता है और बात करता है कि वह उसके रेस करने से खुश क्यों नहीं है। थियो उससे कहता है कि उसको उसकी परवाह है, वहाँ रेस में बहुत सी गाड़ियाँ होंगी, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। पर थियो उससे कहता है कि उसे अपने आप पर भरोसा है, काश वो भी उस पर थोड़ा भरोसा कर पाता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो गार्निश के गैराज में पहुँचता है। वहाँ उसकी कार को देख कर उसे प्यार हो जाता है। वो उसके जीते हुए कॉम्पिटिशन कप को देखने लगता है, तभी वहाँ पर गार्निश आ जाता है और उससे कहता है कि कहीं उसकी नज़र उसके कप पर तो नहीं है। वो थियो को अपने हाथ में उठाकर कहता है कि वह कितना छोटा है, इसीलिए सारे लोग उसका रेस देखने के चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस रेस को देखने के लिए आएंगे, पर हमेशा की तरह जीतना तो उसी को ही है। थियो से कहता है कि अभी भी मौका है, रेस से बाहर निकल जाओ। वो उसे अपने गैराज से बाहर निकाल देता है। अगले दिन रेस शुरू होने वाली होती है। टीटू थियो को गुड लक बोलकर उसे ट्रैक पर रख देता है और रेस शुरू हो जाती है और वार्म अप राउंड शुरू हो जाता है। थियो देखता है कि बहुत से लोग उसे देख रहे हैं। वो अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है, पर वहाँ इतनी सारी गाड़ियों के आसपास होने से वो बहुत घबरा रहा होता है। वो कई बार कार के नीचे आते आते बचता है। देखते ही देखते 30वां लैप शुरू हो जाता है। थियो अपनी टीम के पास रिफ्रेशमेंट के लिए आता है। विप्लेस और उसकी टीम उसका अच्छे से मेंटेन करते हैं। विप्लेस उससे कहता है कि एक कार की तरह नहीं बल्कि स्नेल की तरह रेस करो। वो फिर से रेस में शामिल हो जाता है और इस बार वो कॉन्फिडेंस लग रहा था। वो अपनी आगे की कार के नीचे से निकलकर आगे निकल रहा था। ये देखकर सारे लोग उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। चैट भी उसे देखकर अब खुश हो रहा था। बहुत जल्द थियो की टक्कर गार्निश की कार से होने लगती है। दोनों एक दूसरे के से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे और तभी आगे निकलने के चक्कर में ट्रैक पर पड़े कुछ टुकड़ों से टकरा कर थियो रेलिंग से टकरा जाता है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। उसका सेल भी टूट जाता है। टीटू और उसके लोग उसे रेस से बाहर कर देने को कहते हैं, क्योंकि अगर उसे एक और चोट लगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो इससे उसकी जान भी जा सकती है। पर थियो को अब वो सारी गाड़ी एक टमाटर की जैसे लगने लगती है और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ रेस में आ जाता है। बहुत जल्द वो गार्निश की कार के पास पहुँच जाता है। बीच बीच में उसका पावर भी खत्म हो जा रहा था, पर वो हार नहीं मानता है। वो बहुत जल्द ही गार्निश की कार से आगे पहुंच जाता है। फाइनल लैप शुरू हो चुकी थी और थियो सबसे आगे चल रहा था। गार्निश उससे किसी भी हालत में आगे निकलने की कोशिश करता है और उसी चक्कर में वह वहां पड़े टायर के टुकड़ों में चला जाता है और उसका कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हाथ से थियो के ऊपर के सेल के टुकड़े को भी निकाल देता है और सबकी कार वहां गार्निश के एक्सीडेंट से ट्रैक पर ही टकरा जाती है। थियो भी घायल होकर वहीं गिर जाता है। उसका सेल टूट चुका था पर वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो अपनी मंजिल के इतने करीब आकर हार नहीं मानना चाहता था। वो अपनी धीमी स्पीड से ही आगे बढ़ने लगता है। उसके हार न मानने वाले हौसले को देखकर वहां पर सारे लोग उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। गार्निश भी अपनी टूटी कार को हाथ से खींचने लगता है।
वो थियो को भी रोकने की कोशिश करता है और थियो सेल के अंदर होकर लुढ़क कर फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है। वो ये रेस जीत चुका था। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। थियो को चैंपियन कप दे दिया जाता है। टीटो और वहाँ पर बाकी दुकान की किस्मत अब बदल चुकी थी क्योंकि उनका वो प्लाजा अब फेमस हो चुका था। थियो का टूटा हुआ सेल भी अब रिकवर हो चुका था और उसका पावर भी वापस आ चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।